नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ एंड यू चैनल में। दोस्तों, प्रेगनेंसी में ना सिर्फ आपका लेकिन आपके डॉक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं आपके डॉक्टर आपके प्रेगनेंसी के दौरान। आप अपने डॉक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कि वो आपका एकदम सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कब आपको अपने डॉक्टर को तुरंत बदल देना चाहिए। कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप समझ पाएंगे कि आपका डॉक्टर जो है आपके ऊपर सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है और आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बदल देना चाहिए। दोस्तों, नंबर वन पे बात करते हैं, जब आप पहली बार गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने जाते हैं, आपकी पहली विजिट होती है और जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, डॉक्टर बता देता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं, उस समय पे अगर आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये नहीं बताता है कि गर्भावस्था के दौरान आपको किन मुख्य चीजों को नहीं खाना है, जिनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं खाना होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जानना। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हेल्थ के लिए क्या क्या खाना है। इससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आपको क्या क्या नहीं खाना है, क्योंकि इससे बच्चे को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका डॉक्टर आपको ये नहीं समझाता है कि आपको क्या क्या नहीं खाना है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपका जो डॉक्टर है वो टाल बराई कर रहा है या जल्दबाजी में है और आपके ऊपर सही से ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है पहले ही विजिट में, तो आपको दूसरा डॉक्टर सर्च करना चाहिए। दोस्तों, नंबर सेकंड में आता है आपकी डाइट को लेके। पहली विजिट में अगर आपका डॉक्टर या आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक डाइट चार्ट नहीं प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको किस तरीके से अपना अब खान पान करना है, किस तरीके से आपको अपना अब खाने का रूटीन बदल देना चाहिए और आपको क्या क्या अब अपने डाइट में खास तौर पे शामिल करना चाहिए, या आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको कोई डाइट चार्ट नहीं समझाता है या फिर किसी डाइटिशियन से जाके मिलने के लिए नहीं कहते हैं, तो इस केस में भी दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है आपका गायनेकोलॉजिस्ट मिस कर रहा है चीजों को और वो अपने प्रोफेशन को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है। ऐसे केस में भी आपको दोस्तों डॉक्टर दूसरा देखना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यदि आपको लगता है कि आपका जो डॉक्टर है, जब आप उसके पास रिपोर्ट्स लेके जाते हैं, तो वो उनको उतनी अच्छी तरीके से नहीं देख रहा है या अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है कि भाई तुम देखो और जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखना है वो उसके सबॉर्डिनेट लिखते हैं, तो ऐसे केसेस में भी जब आपका डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स को सही तरीके से नहीं देखता है और ये सब कुछ अपने जूनियर्स के ऊपर छोड़ देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका डॉक्टर आपको लेके सीरियस नहीं है और आपको एक अन्य डॉक्टर की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाएं, तो वो आपका लेट आके चेकअप करें, आपके पेट पे हाथ फेरें और सब कुछ एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या बच्चे की पोजीशन है, कितना विकास हो गया है, बच्चे की हार्ट बीट आपको सुनाएं। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, डॉक्टर जो है आपको मंथ के हिसाब से नई नई दवाई ऐड कर देते हैं, लेकिन वो आपकी पोजीशन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आपको लेटा के आपका चेकअप नहीं करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको लेटा के आपके पेट में हाथ फेर के और नीचे से आपको एनालाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और आपको एक दूसरे डॉक्टर की आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, अगर आपको कभी भी अपने प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आपका डॉक्टर है आपको सीजेरियन के लिए फोर्स कर रहा है या आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस कंडीशन में सीजेरियन ही हो पाएगा, तो एक बार आपको सेकंड ओपिनियन की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इस केसेस में आपको क्या करना चाहिए कि अपने रिपोर्ट्स को लेकर किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे भी एक बार सलाह मशवरा करनी चाहिए। तो दोस्तों, एक बार आपको सेकंड ओपिनियन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर आपको किसी भी केस में ये लग रहा है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है लेकिन कहीं ये डॉक्टर आपको गुमराह तो नहीं कर रहा है, तो एक सेकंड ओपिनियन से आपको जो है इस चीज की पुष्टि हो जाएगी कि आपका डॉक्टर सही है या नहीं है। छठा पॉइंट दोस्तों, अगर आपका डॉक्टर आपको हर बार ये फोर्स कर रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर से ही दवाई लें, तो ये भी गलत है दोस्तों। ऐसा करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसकी उस मेडिकल स्टोर से सेटिंग है और जहां से उसको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि जो आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो कहीं ना कहीं लालची है और ऐसे डॉक्टरों से ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट से आपको बचना चाहिए जो आपको लगता है कि लालची है या स्वार्थी है या सिर्फ अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों बहुत समझदारी से चलना है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको डॉक्टर का चुनाव करना है, तो अपने अगल बगल के लोगों से पूछिए, अपने रिश्तेदारों से पूछिए या उस लोकेशन में जो भी लोग रह रहे हो आपके जानने वाले, उनसे आप पता करिए कि इस जगह पे सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन सा है, कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो एकदम ईमानदारी से काम करता है। तो आपको ऐसे ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसकी रेटिंग्स लोगों की नजरों में अच्छी हो। तो दोस्तों, इन सब बातों को आपको ख्याल रखना है, समझना है इन सब बातों को। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं कि ये आपके साथ हो रहे हैं, तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए और तुरंत अपना डॉक्टर बदल देना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। लाइफ एंड यू में पहली बार आए हैं तो लाइफ एंड यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। कमेंट के माध्यम से आप मुझसे कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अन्य किसी प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।